चुनावी साल में दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी बीच आपको छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल का अपडेट दे दे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस नेता बीजेपी में आने को आतुर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संपर्क में कई कांग्रेस नेता है, कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, चुनाव नजदीक आते ही ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगा था जब प्रमुख आदिवासी नेता नंदकुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए और अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह बड़ा बयान दिया है कि कई कांग्रेस नेता उनके संपर्क में हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों को लेकर के अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। और वो तो बोलते हैं कि एक दो लोग हैं, हमारे पास तो गिनती नहीं, इतने लोगों के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जैसे जैसे चुनाव की तिथि सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि कई बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थामते नजर आए और आज दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। हालांकि जो भी लाइव तस्वीरें आएंगी सबसे पहले आईबीसी 24 आप तक पहुंचाएगा, इस खबर पर हम बने हुए हैं।